इस देश में लोग सेक्स करने की दवाई ढूंढ रहे हैं, मन तेज करने की दवा नहीं ढूंढ रहे हैं। देखो देश की विडंबना, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। ये जो युवाओं का हार्ट अटैक हो रहा है उसके पीछे यही वजह है, सबसे बड़ी वजह। लेकिन कपिल शर्मा को व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और सबसे ज्यादा मेरी आत्मा अगर किसी को धरती पर आशीर्वाद देती है तो जॉनी लीवर साहब, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, परेश रावल, यहां मोटिवेशन चाहिए। जवाब बोरा भर के मोटिवेशन, अल्लाह मोटिवेशन पे मोटिवेशन। ये देखो दुनिया में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो सुख का भ्रम है। सुख दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। 90% दुनिया परेशान है, और आधुनिक युग में सुख की तलाश और बढ़ गई। प्राचीन एवं मध्य काल में धर्म, बाइबल संविधान, कुरान संविधान, वेद संविधान, इसलिए इन पुस्तकों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का मतलब हुआ कि किसी द्वारा रचित नहीं है, भगवान द्वारा रचित है, और इसी भगवान के ही संविधान से दुनिया चलेगी। अब भगवान नीचे उतर के तो दुनिया चलाएगा नहीं, तो कौन चलाएगा? राजा चलाएगा। तो राजा कौन हुआ? राजा भगवान का प्रतिनिधि हुआ। और जैसे तुम मध्य काल में एंटर करोगे तो मुसलमान राजा कौन सी टाइटल ले रहे हैं? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। अब आज हमारे मोदी जी जिल्ले इलाही थोड़ी है, आज वो जिल्ले जमहूरियत है, आज वो भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, जनता के प्रतिनिधि। तो आज देखो आप, आज अगर आप देखो सामाजिक तौर पर, ओपन तौर पर सेक्स की चर्चा शुरू हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। एक शो हो रहा था दिल्ली में, उसमें डॉक्टर साहिबा थी, तो किसी लड़के ने उनसे पूछा कि भाई हस्त मैथुन कितनी बार महीने में करना चाहिए, तो उन्होंने कहा 21 बार करना चाहिए। 21 बार आदमी कर सकता है, क्योंकि ये मानवतावाद के सिद्धांत से प्रभावित है समाज। लेकिन धर्म कहां साइंस और धर्म? हाँ, धर्म में जितने लोग पाखंड का विरोध करते वो बहुत अच्छा करते। धर्म बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा, उसको छोड़िए मत, धर्म को छोड़िए मत, पर ऐसी कोई चीज मत मानिए जिसको आपने जान नहीं लिया है, उसमें रैशनलिज्म लगाई। कोई भी धर्म, आप हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म। आज मुसलमान भाई भी हमारे बहुत परेशान, ईसाइयों के सिखों के पास पैसा है तो ज्यादा परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन परेशान सभी है, सुख होता ही नहीं, और अगर है भी तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ। तो फिर आखिर ये सुख आया शब्द कहां से? जो चीजें आपके मन को शांत कर देती हैं, जितनी भी चीजें आपके मन को तत्काल शांत कर देती हैं, वो आपको सुख देते हुए प्रतीत होती हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे शराब, जितने भी नशे हैं, 10 पैग के बाद आदमी नाली में पड़ा है, कोई आदमी होश में नाली के किनारे पड़ा हो सकता है? परिवार, रिश्तेदार, नात बात, आर्थिक संकट, बीमारी, सब भूल चुका है। फिर जैसे वो होश में आता है, वो सारी चुनौतियां फिर उसके तरफ भागती, जैसे भागती है वो शराब की तरफ भागता है। मूवी, आज तो इसका इतना बोलबाला हो गया है, सीरीज पे सीरीज, सीरीज पे सीरीज। पहले क्या था, जब टीवी आई तभी लोग जागृत, लोग जागरूक हो गए थे कि यार ये बड़ा डिस्टर्ब करेगी, ये झूठा सुख पैदा करेगी ना, 3 घंटा बैठा है आपको। अच्छा, मूवी टीवी को लोगों ने बड़ा मना किया, पिक्चर हॉल जाने के लिए बड़ा मना किया। जो आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो 1940-50 के आसपास पैदा हुए, उनसे जरा पूछिए, क्योंकि ये करती क्या है, ये आपके मन को शांत कर देती है। तो आप जो भी चीजें आपके मन को शांत करेंगी, आप उन चीजों की तरफ भागोगे, क्योंकि उन चीजों से आपको सुख प्रतीत होगा। एक्चुअली मन मजा, जो सुख आपको मिल रहा है वो मन की शांति का मिल रहा है, आपको लग रहा है मूवी से मिल रहा है। सबसे बड़ा सेक्स, इसकी तो मैं अलग से चर्चा करूंगा, एक अलग इस पे वीडियो ही बनाऊंगा। इतनी महान चीज को इतना नीचे कर दिया गया, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी शक्ति। आपको लगता है कि बुराई में इतना रस क्यों है? मन शांत हो जाता है। कहीं मोटिवेशन शराब पिलाने की क्लास चलती है कि आइए भाई मोटिवेशन ले लीजिए शराब पीने के लिए, कहीं मूवी देखने के लिए मोटिवेशन क्लास चलती है, कहीं सेक्स की मोटिवेशन क्लास चलती है, कहीं बुराई करने की मोटी, ये सब आपके मन को शांत कर देते हैं। आप गौर करिए, आज गौर करिएगा, जब ये सेशन खत्म होगा तो गौर करिएगा। शराब का ऐड नहीं होता फिर भी बिकती है, देखो उसकी ताकत। शराब की दुकान खोलने के लिए किसी वास्तु की जरूरत नहीं, कब्रिस्तान के पीछे खोल दो। इसलिए दुनिया के सारे धर्म शराब से नफरत भी करते हैं, 5000 साल से कोशिश कर रहे हैं भाईचारा पैदा करने की,
5000 साल से आज तक नहीं कर पाए, और ये दो ग्लास में कि तू मेरा भाई है। क्या ताकत है इसके अंदर, लेकिन इसकी ताकत क्षणिक है, बस इसीलिए खराब है। ये झूठा भ्रम पैदा करती है, ये सब भ्रम पैदा करते हैं, ये सब भीष्म के रिश्तेदार है, भीष्म पितामह के सब। शराब पीने के लिए दुनिया में किसी ने किसी को नहीं डराया कि शराब नहीं पियोगे तो नर्क चले जाओगे, कड़ाहे में जलाए जाओगे। सबको पता है कि पियोगे, वे तीन बार पी लिए तो पियोगे ही। यहां मोटिवेशन चाहिए, जवाब बोरा भर के मोटिवेशन, अल्लाह मोटिवेशन पे मोटिवेशन। ये देखो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, मोटिवेशन से क्या होगा, कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी, क्योंकि जो मोटिवेटर्स बोलते हैं तो कुछ अच्छे तर्क देते हैं, अच्छे एग्जांपल्स देते हैं, अच्छी कहानियां सुनाते हैं, वो बड़ी प्यारी चीज है। दिन में एक बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार, उसके बाद नहीं। उसके अगर आपने दिन भर मोटिवेशन सुना तो आप गए, अब करना क्या है। मोटिवेशन मैंने कहा एक सुन लीजिए, बहुत ज्यादा मन करता है तो दो सुन लीजिए, या दवा की तरह सुबह दोपहर शाम 10 मिनट का तीन सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स इस देश में है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे। मैं तो दो लोगों को आजकल बड़ा सम्मान करता हूँ, एक स्टैंड अप कॉमेडियंस का और एक मोटिवेटरों का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस निराशा भरे समय में, इस निराशा के दौर में कोई अगर आपको खुशी दे रहा है, कपिल शर्मा, उनसे एक दो बातों पर मैं थोड़ा मतभेद रखता था, जब उन्होंने बाबा और संत महात्माओं पर शो किया तो मुझे थोड़ा लगा कि इनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कपिल शर्मा को व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बंदा हंसा तो रहा है, कौन किसको हंसा रहा है यार आजकल। और सबसे ज्यादा मेरी आत्मा अगर किसी को धरती पे आशीर्वाद देती है तो जॉनी लीवर साहब। जॉनी लीवर साहब बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं इतना प्रेम करता हूं, इतना सम्मान करता हूं कि मैं क्या बताऊं। वजह यह कि जब मेरा मन कभी विचलित होता है या मुझे आशा होती है यार हंसना है यार, तो मैं उनकी कोई छोटी सी क्लिप लगा लेता हूँ। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, परेश रावल की वो हेरा फेरी। इस देश में लोग सेक्स करने की दवाई ढूंढ रहे हैं, मन तेज करने की दवा नहीं ढूंढ रहे। देखो देश की विडंबना, देख लो देश की विडंबना। इस देश में कोई मन तेज करने की ना तो दवा बना रहा है और ना कोई ढूंढ रहा है, सब सेक्स पावर बढ़ाने की दवा ढूंढ रहा है। बहुसंख्यक इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे शहर में, सिविल लाइन के एरिया में, जॉर्ज टाउन का जो थाना है, उस थाने के सामने जो चौराहा है, उस चौराहे के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा है, गुप्त रोगी मिले, निराश पुरुष मिले, सिविल लाइन में लगा। पूरा शहर और प्रयागराज नहीं, पूरा भारत, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर के बिना पूछे कोई दवा मत खाना, नहीं तो जान चली जाएगी। कोई दवा, कोई भी दवा डॉक्टर से बिना पूछे, बिना वैद्य से पूछे कुछ मत खाना। ये जो युवाओं का हार्ट अटैक हो रहा है उसके पीछे यही वजह है, सबसे बड़ी वजह। तो सवाल ये, अब इस पे आप गौर करिए, ये ध्यान देने की चीजें हैं। और जैसे आप इनसे छूटते हो फिर मन शिकार हो जाता है भ्रम का, आसक्ति का, मोह का, फिर वो भागने लगता है, फिर आप इनकी तरफ भागते हो। इसीलिए लड़ाई आज जो चल रही है वो पूंजीपति और धर्म के बीच चल रही है, और भारत के संत पूंजीपतियों को बहुत खटकते हैं, बहुत। उनको मौका चाहिए भारत के संतों को कि बुराई करने का, उनको दिखाने का, ये देखो ढोंगी बाबा, मेरे जैसे आदमी को इंसान बना दिया इन संतों ने।